प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी में कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चे बच्चों के सिर से अपने पालकों का साया उठ गया है। ऐसे परिवारों को 5,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।